ये ग्राम है पिपरा मरोड़ा, गन्ना विकास परिषद खंभार खेड़ा, जिला लखीमपुर खीरी। मेरा नाम राजेंद्र प्रताप सिंह यादव, गन्ना पर्यवेक्षक। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं श्री प्रवेश सिंह जी। प्रवेश सिंह जी बताइए, ये गन्ना कब बोया गया? 23 अक्टूबर में बोया गया। किस विधि से बोया? टेंच विधि से। दूरी कितनी है ये गन्ने से, गन्ने की नाली है जो? 4 फीट की दूरी। 4 फीट पे आपने गन्ना क्यों लगाया? गन्ने की दूरी से बांधने उड़ने की जो व्यवस्था है, गिरने की समस्या ये नहीं। कितना इसका रकबा है खेत का? ये 3 एकड़ है। कौन कौन सी सह फसलें लगाई? चना, मसूर और ये मटर। कितना मसूर, कितना चना और कितना मटर? 2 एकड़ चना है, 3 बीघे मसूर है और 3 ये है मटर। एकड़ में चना कितना हो जाएगा? 9 क्विंटल हो जाएगा। मटर कितना हो जाएगा एकड़ में? 9 क्विंटल 8 क्विंटल हो जाएगा। और मसूर लगी हुई है? बीघा में 1 क्विंटल निकलेगा। 6 क्विंटल एकड़ में। हाँ। कौन सी गन्ने की प्रजातियाँ हैं इसमें जो आपने लगा रखी? 14201 है, 15023 है। CULK 14201, CU 15023। कितना कितना रकबा है तीनों का? 1.5 एकड़। जब आपने मटर की बुआई किया है हाँ। तो एकड़ में कितना बीज लगाया आपने? 6 किलो। और चना? चना 7 किलो। और मसूर? मसूर 6 किलो। मटर जब आपने बोया है तो इसकी दूरी कितनी रखी है मटर की? कैसे बुआई किया है इसकी? ये जो मटर आपने बोया है कुदार से बोया हाँ। तो इसमें जो दाना आपने डाला कुछ दूरी रखी होगी? 7-7 इंच की, 1 फीट। 7-7 किसकी? ये इसकी दूरी है? 1 फीट इसकी दूरी है और ये इसका। अच्छा, ये 2 लाइनें हैं, इनके बीच में 1 फीट की दूरी है। और दाना जो डाला आपने 7-7 इंच। चना कैसे बोया आपने? चना भी इसी, ये भी 1 फीट की दूरी और 7 इंच। अच्छा, ये पौधे से पौधे की दूरी 7 इंच। मसूर तो आपने सीधे जैसे बोया होगा जी। तो गन्ने में कितना उत्पादन ले लेते हैं आप एकड़ में? ये 600 क्विंटल। कौन सी प्रजाति का? 15023। बुआई के समय में इसमें कौन कौन सा उर्वरक दिया? 2 बोरी एकड़ का NPK, पोटास 25 किलो। जैसे आपने ये सह फसल लगाई है गन्ने के साथ में, कितना आपको आय जो है सह फसल से हो? एकड़ में कम 25,000 लगभग। 25,000 तो ये मान लें कि ये 3 एकड़ है तो 75,000 आपकी हाँ। आय हो गई। इससे आपकी गन्ने की कितनी लागत निकल जाएगी? ये गन्ना का लगभग सारा लागत निकाल देगी। सारी लागत निकाल देगी जितना गन्ने में लगेगा हाँ। तो गन्ना आपका फ्री हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो सह फसल लेने से फायदे हैं जी? तो सह फसल के लिए आपने अतिरिक्त उर्वरक दिया या उसी गन्ने वाले उर्वरक से ही काम चल जाएगा? अतिरिक्त उर्वरक की जरूरत पड़ेगी गन्ने को तो जो आपने डाला? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 2 फसलें ले रहे होते हैं तो जो फसल वो चाहती है उर्वरक वगैरह उसको आप उतना जरूर दीजिए, नहीं तो वो हिस्सा किसका बंटवारा करेगी? गन्ने का। तो गन्ना आपका प्रभावित होगा, ध्यान रखिएगा। आपका हो तो जाएगा सह फसल, लेकिन इसका असर गन्ने पे पड़ेगा। इसलिए जो डोज उसको मिलनी चाहिए, अगर उसको आप अलग बो रहे होते तो भी आपको डालना पड़ता। तो जितना आप अलग उसको देते हैं ना, उतना तो आपको देना चाहिए। आप सिर्फ ये है, गन्ना जगह दे रहा है कि आप मेरे साथ उग जाइए, लेकिन जो उसको खान पान चाहिए सह फसल को और गन्ने को, वो दोनों का निर्धारण आपको कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों की फसल प्रभावित हो जाएगी, ध्यान रखिएगा प्रवेश जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा खेत दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।